तो हाय गाइस, आज के एक नोडो के साथ वापस सब देखो। इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ और मेरा सिर्फ 14 ही किल हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड कर दी क्योंकि इतनी हार्ड लॉबी मैंने अपनी गेमिंग करियर में अभी तक खेली नहीं होगी। इतनी हार्ड लॉबी आई थी, मतलब एम4 ग्लेशियर, AKM ग्लेशियर और UMP और AKM इससे पहले जो आया था वो रेड वाला, और M4 इससे पहले जो आया था चॉकलेट कलर का था वो वाला, और मैथिक सूट का तो पूछो ही मत। मतलब मम्मी जॉनी सब कुछ इतने ज्यादा आउटफिट और इतने ज्यादा मैक्स आउट वाले आए थे ना कि क्या ही बोलूं। और इसी लॉबी में तुम्हारे भाई ने 14 किल के साथ चिकन निकाला है, तो मजा तो बहुत आने वाला है। तो सबसे पहले तड़ल में उतरते हैं और तड़ल में सिर्फ दो ही टीमें आते हैं, तो इनको निपटाते हैं और फिर बात करते हैं। अब इस जगह पे ना ये जो पहला टीम था इसके साथ मेरा इतनी लंबी पैट चलती है ना कि लिटरली उतने टाइम में मैं 1v4 भी कर जाता हूँ, और इन बंदों के साथ इतनी लंबी पैट चली। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि आप बोर हो जाओगे। अब तुम लोगों ने देख लिया होगा मतलब कितनी लंबी पैड चल रही थी, लेकिन इतने में वो दूसरी टीम का एक बंदा चला जाता है और शॉटगन लेके उन दोनों को मार देता है, लेकिन एक किल मुझे मिल जाता है। अब इन दोनों के साथ मेरा फाइट होने वाली है, तो जस्ट देखो क्या ही भरा इन दोनों को। Enemy down. और इसी के साथ होता है पूरा का पूरा ताड़ेल क्लियर। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई ये कौन सी प्यूरो लॉबी में, इसमें तो कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा, लेकिन रुको जरा चबर करो। अब देखो M4 ग्लेशियर, और इसके बाद जो अपग्रेड गन देखने को मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन इसके बाद अच्छे अच्छे प्लेयर भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपग्रेड लिए बैठे, अब अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर भी थे, काफी अच्छा खेल रहे थे। अब यहाँ पर ना जैसे मैं जा रहा था और बंदे को ढूंढने के लिए, मतलब ताड़ेल तो क्लियर हो चुका था, गाड़ी लेनी थी। अब इस जगह पे वो आता है, वो खाली गाड़ी मिलती है ना, पता नहीं कितनी भी मिलती है लेकिन बहुत महंगी गाड़ी है, वो गाड़ी वाला आता है तो मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ। मैं सोचा इसके दो बंदे होंगे मार देंगे, लेकिन नहीं, वो बंदा अकेला था और वो मेरे टाइप थोड़ा खेलता था। जब मुझ पर कोई फायर करता ना तो मैं उसको मारने के लिए जरूर चला जाता, और ये बंदा थोड़ा मेरे टाइप ही खेलता था। अब यहाँ पर ना जैसे मैंने इसको स्प्रे मारा, इस पर एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन ये सामने जाके ड्रॉप लूटता है और वापस आता है, और मुझे पता चल गया था कि हाँ ये मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, और इसी वजह से मैंने सबसे पहले कवर लिया और नेट वेट सब कुछ ढूंढ लिया, आराम से बैठ गए। लेकिन ये बंदा ना थोड़ा चालाक टाइप का था, मतलब नेट से नहीं मार रहा था, फिर 1v1 हुआ और क्या ही मजा आया। अब इस जगह पे ना सबसे पहले मैंने इसको फायर करके बुला लिया कि भाई मैं इधर ही हूँ आप आ जाओ, और फिर एक नेड कर लिया। लेकिन इस जगह पे मेरे साथ बहुत गलत सीन होते हैं, मतलब इस बंदे के दो दो पुष्टे पा रहे थे, मैं सोचा एक टीम होगा दो बंदे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक ही बंदा था और वो जो दूसरा पुष्टे पा रहा था वो बोट का पुष्टे था। तो भाई क्या ही बोलूं इस बोट को, मतलब सारा टाइम इस बोट ने मेरा वेस्ट कर लिया, मैं रश भी नहीं कर सकता था, मैं सोचा दो बंदे तो भर देंगे इसलिए मैं होल्ड करके खेल रहा था, और ये जो दूसरा पुष्टे था वो बोट का था, तो क्या ही बोलूं इस बोट को, सारा टाइम मेरा इस बोट ने वेस्ट कर लिया। और जब मुझे पता चल गया कि ये दूसरा बोट है तो फिर तो क्या ही निपटाया। ये बेटे मौज करती, मतलब मजे ही आ जाते हैं जब आपके सामने कोई अच्छा प्लेयर हो और आप उसको 1v1 में हराओ, तो तब फीलिंग थोड़ा गुड होता है, समझ रहे हो ना, अच्छी फीलिंग आती है। और अच्छी बात यह कि इस बंदे के साथ मुझे मिल जाता है प्लेयर गन, और उसको चला के मुझे मिल जाता है AWM। अब वो वाला सीन तो मैंने नहीं दिखाया, सीधा गाड़ी निकाली और AWM तो मैंने उठा लिया था। अब इसके बाद ना आप लोग को कुछ गजब वाला स्नाइपिंग देखने को मिलेगा। अब मैंने गाड़ी निकाली, सीधा चला गया अपार्टमेंट पे। अब यहाँ पे जैसे मैं आ जाता हूँ तो सामने मुझे अपार्टमेंट में बंदे मिल जाते हैं जो कि सामने स्टेडियम में किसी को मार रहे थे, तो उसी का फायदा उठा के तुम्हारे भाई ने थर्ड पार्टी कर लिया और क्या ही मारा।
एनिमी डाउन। और जैसे ही मैंने इस एक को हेडशॉट चिपका दिया तो उसका दूसरा टीममेट वहीं पे था। मुझे लग रहा था कि वो रिवाइव देगा, तो इससे पहले वो रिवाइव दे मैंने गाड़ी निकाली और सीधा रश कर दिया। और इसी के साथ होता है ये दोनों खत्म। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा मोमेंट कैसे कर रहा था, मतलब मेरे पैरों में क्यों घुस रहा है। भाई दूर जाओ, मारो, मुझे भी मारने दो, लेकिन नहीं, मेरे पैरों में घुसे जा रहे आराम से मारने नहीं देते। अब ये दोनों तो खत्म हो चुके थे, अब बाकी सिर्फ दो बंदे। अब इन दो बंदों पे से ना RPG भी है, और क्या ही मारा इन दो बंदों को। यहाँ पर ना स्नाइपिंग थोड़ी अच्छी है, जस्ट देखो आप, बूम, एक गया। अब मैंने रश नहीं किया क्योंकि उस दूसरे के हाथ में मैंने RPG देख ली। अब मैंने गाड़ी निकाली और उसकी दूसरी साइड चला गया, क्योंकि वहां से थोड़ा एंगल वेंगल मिल जाता, नेड़ वगैरह का कुछ सीन हो जाता। लेकिन वहां से नेड़ वगैरह से तो कुछ नॉक नहीं होता, लेकिन तुम्हारे भाई का AWM इतना परफेक्ट चलता है ना कि मजा ही आ जाता है। अब इस जगह पे ना मैंने जो पहला बंदा नॉक किया था ओम से, उसका नाम कुछ और था और इस बंदे का नाम शूटर था। तो मैं समझ गया कि अभी RPG वाला बंदा नॉक किया, और यही सबसे बेस्ट मौका है रश करने का, क्योंकि अगर RPG वाला फिर से जिंदा हो गया तो आह वाला आवाज निकलेगा और मैं लॉबी पहुंच जाऊंगा। और इसी के साथ होता है चिकन डिनर। और हाँ, एक बात और कि कल मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर दी, क्योंकि यार कल मेरा तबीयत थोड़ा खराब चल रहा था। और एक बात और कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तू वॉइस में कुछ गलत वलत बोलता रहता है, तो भाई इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने जितनी भी उर्दू सीखी है सारी गेम से सीखी है और सारी मैंने अपने फ्रेंड लोगों से सीखी है, तो इस वजह से थोड़ा गलत वलत बोलता रहता हूँ। आप लोग उसको इग्नोर कर देना, और बाकी जितना मेरे से होगा मैं उतना करूंगा। और रमजान से पहले तो 1K कर दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब इतने ज्यादा खरीब है और तुम लोग कर भी नहीं रहे हो। और हाँ, याद रखना 1K पे फेस रिवील भी करना है, तो जल्दी जल्दी कर देना यार 1K। और ये वाली वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।